फेसबुक पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं? दोस्तों फेसबुक पर अकाउंट बनाना, फेसबुक पर अपनी आईडी बनाना बिल्कुल सिंपल है, आसान है। केवल आप 2 मिनट का टाइम देकर अपनी फेसबुक आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको फेसबुक आईडी बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होकर आता है। अगर ये एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में नहीं मिलता है तो आपको प्ले स्टोर खोलना है और यहाँ पर जाके आपको टाइप करना है फेसबुक, और यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास पहले से ही ये ऐप इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाता है। अगर हमारे पास पहले से ईमेल आईडी है बनी हुई, तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल या फ़ोन डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर लॉगिन कर देंगे, तो हमारा फेसबुक अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फेसबुक अकाउंट बना हुआ नहीं है तो हमें यहाँ पर सिंपल क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पर हमें सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो सिंपल यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम दयाल है तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा DAYAL, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट नेम, लास्ट नेम में क्या लिखना है जो आप अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे मैं अपने नाम के आगे दयाल सिंह लगा दूँ, दयाल भाई लगा दूँ, जो भी मैं अपने आगे, जो भी मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ वो यहाँ पर हमें सिंपल टाइप कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ SINGH, दयाल सिंह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम में दयाल सिंह यहाँ भी लिख देंगे और दयाल सिंह यहाँ भी लिख देंगे, तो क्या होता है ये फेसबुक में जाके 2 बार शो हो जाता है, वो गलत दिखता है। इस तरह से आपका नाम फेसबुक के अंदर गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दयाल सिंह, तो दयाल अलग लिखा है और सिंह अलग लिखा है, इस तरह से आपको ये कॉलम भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पर आपसे अपनी जन्म तिथि मांगी जा रही है, तो आप यहाँ पर अपनी जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरी जन्म तिथि है तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना महीना सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो माउंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी साल सिलेक्ट करनी है, ईयर। तो चलिए मैं यहाँ पर 1992 ही रहने दे रहा हूँ। जो आपकी जन्मतिथि हो वो यहाँ पर आपको सिंपल इस तरह से भर देनी है। अब उसके बाद आपके लिए दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, मेल फीमेल। अगर आप बॉयज़ हैं, लड़के हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर दोबारा से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन फिर से मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरी कंट्री इस टाइम इंडिया है, तो मैं इस टाइम इसे इंडिया ही रहने दूंगा, ठीक है, इसे कैंसिल कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नंबर लिखा हुआ नहीं आता है तो आप इसे यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी फेसबुक आईडी के लिए मोबाइल से नहीं बनाना चाहते हो, अपनी फेसबुक आईडी अपने ईमेल अकाउंट यूज़ करके बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप विद ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। अगर आपके लिए अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट नहीं बनाना है, खाली मोबाइल से बनाना है, तो आपके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड आपके लिए 6 अंकों से लेकर जितना आप भरना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया, और दोबारा से हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोबारा से हमें यहाँ पर साइनिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटिंग योर अकाउंट, ठीक है। थोड़ी सी देर हमें वेट करना होगा, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, और देखिए यहाँ पर साइनिंग इन लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्मेशन कोड, तो एक 1 टाइम पासवर्ड भेजा होगा फेसबुक ने हमारे ईमेल आईडी पर। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर यूज़ किया है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ गया होगा, वहाँ पर एक कोड होगा 4 से 5 अंकों का, वो आपको सिंपल यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो मैं चेक करके देख लेता हूँ कि मुझे मेल मिला है या नहीं, ठीक है।
जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मुझे फेसबुक की तरफ से मैसेज मिल चुका है। इसमें मेरा पासवर्ड है 47122। आप देख सकते हैं इस मैसेज को खोल कर भी, ये देखिए फेसबुक की तरफ से, और यहाँ पर 47122 लिखा हुआ है, और ये वाला पासवर्ड हमें दोबारा से वहाँ पर डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड था मेरा 47122। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर कंफर्म पे सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस तरह का मैसेज हमें मिल जाएगा, वेलकम बैक टू फेसबुक। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, टेक ये फोटो, चॉइस फ्रॉम गैलरी। तो मैं गैलरी में से यहाँ से कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया और डन पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद देखिए दोबारा से सेव पर क्लिक कर दिया। और देखिए अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर हमें एडिट फ्रेंड यानी कुछ फ्रेंड बनाने, उन पर उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, बस सिंपल ऐसे दो चार पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी फेसबुक आईडी बन चुकी है, और यहाँ पर हमें दोबारा से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, मेरी फेसबुक आईडी बनके तैयार है। मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए लाइक कर सकता हूँ, और दोस्तों आप इस तरह से अपनी फेसबुक आईडी चला सकते हैं, और जो भी आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी वो इसमें आएगी, और इस तरह से आपको उसे ऐप सेट कर लेना है। ठीक है, और जो सूचनाएं जो आएंगी वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, और यहाँ से आप, और यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल के लिए चेक कर सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपके लिए मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।